तो हाँ जी मित्रों, आज हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं मावनो के इस प्रोफेशनल कंडेंसर माइक को। जैसे कि आप देख सकते हो ये माइक है यहाँ पे, इसका मॉडल नंबर आपको AUPM421 आपको देखने को मिल जाएगा। आज हम लोग इसी की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं और बताने वाले हैं फुल डिटेल में भाई कि आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, वर्थ इट है या फिर ये नहीं है। तो फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और पर्सनल यूज पे मैं करके दिखाऊंगा आपको कि इसकी वॉइस क्वालिटी सारी डिटेल में आपको चीजें आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह की यहाँ पे पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे फ्रंट साइड पे आपको मावनो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और नीचे आपको लिखा मिल जाएगा प्रोफेशनल कंडेंसर यूएसबी माइक सेट, और इसका मॉडल नंबर जो है वो है AUPM421 प्रोफेशनल ऑडियो इनोवेशन। और कुछ इस तरह का आपका पूरा माइक देखने वाला है यहाँ पे, और साइड में भी ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको कुछ इसके फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि है यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन सैम्पलिंग रेट आपको देखने को मिल जाता है, कंपैटिबल विद विंडोज और मैक ओएस दोनों के साथ है, और यहाँ पे कार्ड्रॉइड पुलर पैटर्न का आपको रिकॉर्ड करने का सिस्टम देखने को मिल जाता है। आपको प्रोफेशनल साउंड चिपसेट देखने को मिल जाएगी, फुल मेटल की आपको केसिंग देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, और यूएसबी 2.0 प्लग एंड प्ले के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, और हाँ इसमें बूम आर्म भी आपको साथ में मिलने वाला है, तो आप अपने टेबल में अटैच कर सकते हो आराम से। तो फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं भाई, देखते हैं। यहाँ पे हम लोग डब्बा खोल करते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा भाई सबसे पहले पुस्तक। भाई फेंकनी नहीं चाहिए, कभी कभी ये काम भी आ जाती है भाई, तो इसलिए इसको साइड में रखते हैं। और यहाँ पे आपको पॉप फिल्टर और विंड मफ आपको देखने को मिल जाता है। जैसे स्क्वाड आते हैं फटाफट भाई और अपने मेन कंपोनेंट पे आते हैं, यहाँ पे जो हमारा माइक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बूम आर्म निकाल लेते हैं। जैसे कि आप देख लो यहाँ पे ये है बूम आर्म हमारा, और ये सीजर वाला होता है, मतलब आपको इस तरह से कुछ देखने को मिल जाएगा, ये आप ऐसे खोल बंद कर सकते हो। तो इसको अभी मैं सेट करके दिखाऊंगा, तो इसको साइड में रख देते हैं फिलहाल। बूम आर्म के साथ हम लोग को यहाँ सस्पेंशन वो शॉक वाला शॉक अब्जॉर्बर मिल जाता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भी मेटल बिल्ड आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सही क्वालिटी का ही आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इस साइड पे शायद प्लास्टिक नहीं मेटल ही यूज़ हुआ है भाई, पूरा मेटल का ही आपको देखने को मिलने वाला है। इसको भी हम लोग साइड रख देते हैं भाई। यहाँ पे हम लोग को यूएसबी केबल मिल जाएगी, यहाँ पे यूएसबी B2 ये है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, यूएसबी सी नहीं आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक माइनस पॉइंट मेरे को लगता है, थोड़ा सा सी टाइप होता तो और अच्छा हो सकता था, बाकी क्वालिटी हम लोग टेस्ट करेंगे तो जान जाएंगे। और यहाँ पे स्ट्रैप्स मिल जाते हैं भाई हम लोग को तार मतलब अरेंज करने के लिए हम लोग, ताकि तार वारा हमारा इधर उधर ना खिसके। और भाई यहाँ पे हम लोग का है एक ये माउंट करने वाला, जो टेबल पे आप माउंट कर सकते हो, ऐसे नॉर्मली आपको इसे खोलना है और टेबल पे माउंट कर देना है। इसको साइड में रखते हैं और मेन चीज़ निकालते हैं भाई अपना माइक। भाई लोहा लाट है यार बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हो भाई क्या प्यारा लुक है भाई माइक का, ब्लू कलर में मैंने मंगाया हुआ है यहाँ पे, और मैश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी ब्लैक कलर की, और ये पूरा मेटल बिल्ड है भाई मेटल बिल्ड। और बात करें तो भाई इसकी क्वालिटी की, तो भाई क्वालिटी तो एक नंबर आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे आप यूएसबी लगाओगे, बाकी यहाँ पे फंक्शन में बता दूँ तो यहाँ पे माइक ऑन ऑफ का एक बटन आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे वॉइस गेन नॉब आपको देखने को मिल जाएगा, कितनी माइक आपकी वॉइस पकड़ेगा उसका गेन नॉब यहाँ पे है। और बाकी कुछ ऐसा है प्लेन सा, बाकी कुछ उसमें नहीं है, मावनो की ब्रांडिंग यहाँ पे सामने को प्रिंट करी हुई है यहाँ पे। तो भाई इसको चलिए टेस्ट करते हैं, भाई मेरे से रुका नहीं जा रहा है, हम लोग टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसे इसकी साउंड क्वालिटी आने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको टेबल माउंट कर लेते हैं, उसके लिए हम लोग को मिल जाता है, इसको सिंपली यहाँ से हम लोग को ओपन कर लेना है। ऐसे ओपन करने के बाद हम लोग को इसको अपने टेबल में ऐसे अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद यहाँ पे आप जो इसका नट है टाइट कर देना है, ताकि ये हिले डुले ना यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग बूम आर्म के इस ब्लैक वाले हिस्से पे, आपको एक सिल्वर हिस्सा दिख जाएगा और ब्लैक वाला दिखेगा, तो यहाँ पे इसको हम लोग फिलहाल ओपन कर लेते हैं फटाफट। और ये जो आपको ब्लैक वाला हिस्सा दिख रहा है इसको यहाँ पर सेट कर देना है यहाँ पर आपको, और इस नट को भी आपको यहाँ पर टाइट कर देना है। नट टाइट करने के बाद भाई आपका आर्म कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अभी कुछ इस तरह से आपको दिखाई देने वाला है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे अपने शॉक माउंट को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे टाइट कर लेते हैं नट के थ्रू। यहाँ आपको नट देखने को मिल जाएगा, सिंपली इसमें आपको घुमा के ऐसे टाइट कर देना है और ये टाइट हो जाएगा। तो हम लोग अपने माइक को यहाँ पे सेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दो क्लिप्स देखने को मिल जाएंगी शॉक माउंट में, इसको आपने प्रेस करना है और ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपको माइक को लगा देना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे माइक सेट हो जाएगा बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ पे यूएसबी के थ्रू इसको लैपटॉप पे अपने कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग माइक पे यूएसबी लगाएंगे और फिर ये वाली यूएसबी ए टाइप जो है हम लोग अपने लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे माइक की जो है लाइट वो ऑन हो चुकी है, और मैंने भाई रूम की लाइट भी ऑन कर दी है ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे भाई, यहाँ पे डल डल आपको ना दिखाई दे, बट वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था बैकग्राउंड में, बट अब भी ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको म्यूट बटन मिल जाती है, जैसे मैंने बताया ये टच सेंसिटिव है, सिंपली आपको टच करना है और ये चेंज हो जाएगी। अगर रेड है तो वो म्यूट हो जाएगा,
और ब्लू हो जाएगा यहाँ पे टच करने पे, तो माइक ऑन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये स्ट्रीमर्स के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आपको म्यूट करना है एक स्टेप में, तो आप एक क्लिक में यहाँ पे म्यूट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको माइक गेन नॉब भी देखने को मिल जाता है, वो भी आप कर सकते हो। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं अब माइक की वॉइस क्वालिटी टेस्ट, यहाँ पे कितना अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो जो अभी आप आवाज़ सुन रहे हो ये मेरे डायरेक्ट फोन के माइक से आपको सुनाई दे रही है, और ऊपर पंखा भी चल रहा हो यहाँ पे, तो आपको नॉइस जरूर आ रही होगी भाई। अब बाहर से भी नॉइस थोड़ी आ रही होगी और पंखे की नॉइस तो भाई पक्का ही आ रही होगी आप लोगों को। और कमेंट मत करिएगा ज़्यादा देर आवाज़ कर रहा है वो, हाँ आवाज़ कर रहा है मेरे को पता है, ठीक है। तो बाकी यहाँ अब मैं आपको इस माइक की आवाज सुनाता हूँ। तो अब जो आवाज आ रही है वो इस माइक से आपको आ रही है, यहाँ पे विंड मफ लगा हुआ है। मैं इसको हटा देता हूँ, एक बार फिर दिखाता हूँ आपको साउंड क्वालिटी कैसे आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे मैंने भाई विंड मफ हटा दिया है, तो आपको कुछ इस तरह की, मैं थोड़ी सी दूर पे ही हूँ, ज्यादा दूर पे नहीं हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको कुछ इस तरह की क्वालिटी दिखाई देने को मिल जाएगी। और मैं थोड़ा सा दूर से बोलूंगा तो आपको कुछ इस तरह की आवाज यहाँ पे सुनने को मिल जाएगी। तो आप नॉइस रिडक्शन देख सकते होंगे भाई, कितना नॉइस रिडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। और वापस मैं विंड मफ लगा दूं यहाँ पे, तो आप लोग बताइए कितना डिफरेंस यहाँ पे आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे सामने से बोलूंगा जहां से माउनो की ब्रांडिंग है वहीं से आवाज आएगी, और मैं साइड से बोलने की कोशिश करूंगा तो वहां पे धीमी हो जाएगी थोड़ी सी आवाज। आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप ईयरफोन लगाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस आ रहा है साइड से अगर बोल रहा हूं मैं। और थोड़ी सी दूर हो जाता हूं मैं तो यहां पे भी आपको आवाज थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, और जितनी पास आ जाऊंगा मैं उतनी तेज आपको आवाज देखने को मिल जाएगी। यहां पे मैं पॉप फिल्टर भी लगा के आपको आवाज सुना देता हूं। तो भाई यहां पे पॉप फिल्टर और विंड मफ दोनों लगा के यहाँ पे आपको आवाज आ रही है, जो भी आवाज आ रही है वो इन दोनों के थ्रू ही माइक से ही आ रही है, मेरे फोन के माइक से नहीं आ रही है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितना नॉइस रिडक्शन आपको देखने को मिला यहाँ पे। और ये थी कुछ वॉइस क्वालिटी इसकी, काफी सही लगा भाई मेरे को माइक यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग मेरे को। और इसका ब्लैक वेरिएंट भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। जो भी कलर आपको पसंद आता है वो आप जाके परचेज कर सकते हो। और बजट के अकॉर्डिंग मैं कहूँ तो भाई आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, आप ले सकते हो अपने यूट्यूब वीडियोज के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड शेयर भी कर दें, चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।